हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, अगर उसको हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि मेरे भाई और बहन, आप सभी को पता है कि हरियाणा में डेली किसी न किसी जिले के अंदर, विभाग के अंदर डेली कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स आते रहते हैं। अगर आपको भी डीसी रेट जॉब्स के अपडेट सीधे चाहिए कि डीसी रेट जॉब में किस टाइप से लगा जाता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होता है, एज क्या होनी चाहिए, पैसे कितने मिलेंगे आपको, पे स्केल क्या होना चाहिए, अगर इस टाइप की आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो आप हमारी गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है और अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहां पर डीसी रेट जॉब्स का भंडारा लगा रहता है मेरा भाई और बहन। क्योंकि डीसी रेट जॉब्स जिस भी जिले के अंदर आएगी, किसी भी विभाग के अंदर आएगी, तो सबसे पहले सबसे फास्ट आपको हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर 100% रियल जानकारी, स्टिक जानकारी, सबसे पहले जानकारी मिलेगी। क्योंकि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का यही प्रॉफिट होता है, आप सभी को मैं बता देता हूं। क्योंकि जो भी चीजें ऑफिशियल होती है, वही चीजें ऑफिशियल चैनल पर आती है। हरियाणा का एकमात्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहां पर डीसी रेट जॉब्स के जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं, किसी भी जिले के अंदर, किसी भी विभाग के अंदर अगर एक पोस्ट भी आती है, तो सबसे पहले सबसे फास्ट आपको हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर रेगुलर देखने को मिलेगी। दूसरी चीज मेरे भाई और बहन, फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई लिंक नहीं मिल रहा, कोई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मेरे भाई और बहन, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हो। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 24 घंटे न्यू अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी डीसी रेट जॉब्स आएगी किसी भी जिले के अंदर पूरे हरियाणा में, तो आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछे, परंतु उसको गलत फॉर्म अप्लाई ना करें मेरे भाई और बहन। मेरा कहने का मतलब आप बिल्कुल सब समझ रहे होंगे, क्योंकि जो मेरे भाई और बहन मेरे से दिल से सपोर्ट करते हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बिल्कुल सारी चीज़ें साफ साफ बताना चाहता हूं। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए हम सबको, क्योंकि आपको पता है डीसी रेट जॉब्स के लिए कोई भी एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं होता, ओनली डायरेक्ट आपको डीसी रेट जॉब मिलती है, ओनली फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आप उस टाइम फॉर्म गलत अप्लाई कर देते हैं, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है मेरे भाई और बहन, ओनली मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। तो हमें 100% दिमाग से सारी चीज़ें अपना यूज करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, सारी चीजें अच्छे से लिखनी है। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछे, हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन होती है, किसी भी चीज का कोई भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके गाइज, तो आज की हमारी वीडियो क्या रहने वाली है, हरियाणा में डीसी रेट जॉब्स की तरह ही एक रोडवेज विभाग की भर्ती का न्यू अपडेट आ चुका है। ड्राइवर कंडक्टर हेल्पर की जो भर्ती को लेकर मैंने बात कहा था कि 15 जुलाई को एक न्यू अपडेट आएगा, क्या न्यू अपडेट आया, एक छोटा सा अपडेट हरियाणा सरकार ने अपडेट किया आप सभी के लिए, वो बीच में आप सभी को लेकर आया हूं, और बिल्कुल आपको डिटेल वाइज बताऊंगा क्या न्यू अपडेट आया, क्या सरकार करना चाह रही है और आपका क्या कहना है, इसके ऊपर आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा, और अपना कॉमेंट करके भी बताना आप सभी पूरी वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में आपको कुछ भी डाउट हो पूरी वीडियो देखने के बाद, कि कोई सस्पेंस रह जाता है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रह जाता है आपको, अगर मैं बता नहीं पाता, तो आप हमें कमेंट करें या हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी आपके दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए मेरे भाई और बहन, टेंशन लेने के लिए आपका छोटा भाई ग्राउंड में आ चुका है, आप सभी की टेंशन मैं अकेला लूंगा। जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे आपको 100% रियल जानकारी, स्टिक जानकारी, सबसे पहले जानकारी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल रेगुलर देखने को मिलती रहेगी। एक चीज और है मेरे भाई और बहन, पिछली एक दो साल से आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने कोई भी सरकारी नौकरी तो निकाली नहीं, उसको चलते हुए हर डिपार्टमेंट के अंदर मेरा भाई और बहन, मैं इस महीने की बात कर रहा हूं, हर डिपार्टमेंट के अंदर डीसी रेट जॉब्स बहुत ही ज्यादा संख्या में निकल कर आ रही हैं। क्योंकि रेगुलर एक दो साल से आपको पता है कोई भी सरकारी नौकरी निकली नहीं, उसको चलते हुए हर डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत होती है, जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत होती है मेरे भाई और बहन, वहां पर डीसी रेट जॉब्स के तहत बच्चे कंटिन्यू लिए जा रहे हैं। अगर आपको भी डीसी रेट जॉब पर लगना है, तो मेरे भाई और बहन थोड़ा सा अपडेट रहे, क्योंकि आपको आपके जिले की पूरी जानकारी होनी चाहिए, कौन से विभाग में प्रेजेंट में नौकरी निकल कर आ रही है, और आपको फॉर्म किस टाइप से अप्लाई करना होगा। डीसी रेट जॉब्स कोई भारी काम नहीं है, एक महीने के अंदर अंदर आपको डीसी रेट जॉब मिल सकती है, उसके लिए आपके दिमाग में परंतु गलत फितूर बने हुए हैं, पैसे में डीसी रेट जॉब मिल सकती है, आपको वो कैंडिडेट डीसी रेट जॉब पे लगवा सकते हैं जो पहले से डीसी रेट जॉब पे रहते हैं। मेरे भाई और बहन, अगर ऐसा ही सब कुछ होता है, तो सबके पास पैसा है, आप एक चीज मानिए, किसी के पास भी पैसे की कमी नहीं आज के दिन, अगर पैसे में हर चीज मिल जाती तो मेहनत कौन करेगा
मेरा भाई और बहन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहीं पर भी अपना पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका छोटा भाई डेली हमारे चैनल पर न्यू अपडेट्स डेली लेकर आता रहता हूँ। पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरी दिल्ली के अंदर भी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है, कोई भी यूट्यूबर सारी चीजें नहीं बताता। वहां के भी आप फॉर्म रेगुलर अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मेरिट बेस पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो, वहां पर 24 घंटे न्यू अपडेट्स आपको रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। आज का क्या न्यू अपडेट आया मैं आपको ऑफिशियल दिखाता हुआ पूरा डिटेल वाइज बता देता हूँ। पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछना। ओके गाइज, मेरे सभी भाई और बहन को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये कल का न्यू अपडेट आ चुका है आप सभी के बीच में। लेटेस्ट अपडेट, कैंडिडेट हु आर लुकिंग फॉर हरियाणा रोडवेज ड्राइवर एंड कंडक्टर भर्ती शुड गिव द स्क्रॉल डाउन द अपकमिंग वैकेंसी ऑफ द हरियाणा। इन्होंने क्या लिखा है कि हरियाणा रोडवेज का जो रिक्रूटमेंट था 2019 की भर्ती है रिक्रूटमेंट, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 2019 से इसकी एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर रखी थी। और इसका क्या न्यू अपडेट आया आप सभी के बीच में, आपको बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ, एक बार आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। हरियाणा रोडवेज रिक्रूटमेंट 2019 का क्या हरियाणा सरकार ने क्या न्यू अपडेट आपके बीच में भेजा है। कल के दिन मैंने बोला था कि मेरे भाई और बहन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे, कहीं छोटा अपडेट हो चाहे बड़ा अपडेट हो, आपको बिल्कुल पिन टू पिन छोटा अपडेट जो भी होगा सारी चीज देखने को मिलेगा। हरियाणा रोडवेज होमगार्ड की भर्ती, एम्बुलेंस ड्राइवर, डायल 112 की भर्ती और जो भी और भी भर्तियां हैं 5-7, मैं एक भी भूल के बैठा नहीं, जो भी डी सी रेट जॉब्स की भर्ती आएंगी उनका जो छोटा अपडेट है उसे बड़ा अपडेट है वो सबसे पहले सबसे फास्ट आपको यहां पर देखने को मिलता रहेगा। ओके, तो आपका एक भी अपडेट छूटने वाला नहीं है। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। ओके गाइज, हरियाणा रोडवेज रिक्रूटमेंट 2019 का क्या कहा है कल सरकार ने। राज्य सरकार द्वारा रोडवेज परिचालक के पदों पर भर्ती के लिए 12वीं पास विद्यार्थियों को आवेदन आमंत्रित करती है। घाटे में चल रहे रोडवेज विभाग को उभारने के लिए सरकारी हर प्रकार के हथकंडे अपनाती है। रोडवेज विभाग कर्मचारियों की भर्ती संविदा स्तर पर करने लगा है, लेकिन रोडवेज में चालकों के पदों पर संविदा और परिचालकों के पद पर सीधी भर्ती राज्य सरकारें कर रही हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट में रोडवेज के जो ड्राइवर हैं वो प्राइवेट हैं और जो कंडक्टर हैं वो सरकारें हैं, समझ रहे हो। जल्द ही राजस्थान में भी रोडवेज परिचालक भर्ती निकालने वाली है। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी राजस्थान से देखता है या राजस्थान में भी जॉब करना चाहता है तो वो भी वहाँ के फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें साफ साफ लिख दिया गया कि जल्द ही राजस्थान में रोडवेज परिचालक भर्ती करने वाला है। रोडवेज चालक और परिचालक के पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन लोकसभा चुनाव के बाद कभी भी जारी हो चुका है। लोकसभा के चुनाव होने हैं राजस्थान के अंदर, उसके बाद मेरे भाई और बहन राजस्थान रोडवेज विभाग का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। आप सभी के बीच में बिल्कुल साफ साफ बता देता हूं, अगर कोई भी आपका राजस्थान में जानकार हो तो उसको भी थोड़ा सा अपडेट करके रखना। ओके गाइज, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकारें नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसमें साफ साफ लिख दिया गया आपके बीच में कि जो राजस्थान, हरियाणा, आपके बीच में हरियाणा आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित जो भी राज्य हैं इनमें हरियाणा के साथ साथ जो भी अपनी अपनी सरकारें हैं हर राज्य की वो नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसी मंथ में मेरे भाई और बहन आपको न्यू अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि सरकार अपने अपने हथकंडे अपना रही है कि सरकार को किस टाइप से बेनिफिट हो। आप सभी सारी चीजें समझ नहीं रहे, क्योंकि 19 अप्रैल को ये भर्ती तभी रोकी गई थी कि उनके दिमाग में भी चल रहा था कि किसको नौकरी दी जाए, किसको छोड़ा जाए, क्योंकि इस भर्ती के लिए आपको पता है ट्रेनिंग अनिवार्य थी, ट्रेनिंग के बाद एक्सपीरियंस था और ट्रेनिंग तो सभी करते ही आपको पता है, तो उसमें एक्सपीरियंस भी सबके पास ही था, ज्यादातर बच्चों ने एक्सपीरियंस अपना बनवा लिया था और उसके आगे इन्होंने ये सोचा कि अब नौकरी किसको दी जाए, सरकार खुद कंफ्यूज हो गई थी उसको लेकर 19 अप्रैल को बिना कुछ बोले हरियाणा सरकार ने कोई भी किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया, परंतु ये भर्ती को रोक दिया गया। रोकने के बाद अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले एक न्यू अपडेट जारी किया, 150 नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं कि 150 नंबर जिस जिस कैंडिडेट के जिस जिस डिवाइड के हिसाब से मिलेंगे, एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, इन्होंने 150 नंबर डिवाइड कर दिए। 150 नंबर डिवाइड करने के बाद जिस जिस कैंडिडेट को जितने जितने नंबर मिलेंगे उसके हिसाब से उसको सिलेक्शन मिल जाएगा, इनका कहने का मतलब ये था। तो मेरे भाई और बहन, हरियाणा से जो भी बिलोंग करता है, अगर उसको हरियाणा और दिल्ली से, पूरी हरियाणा पूरी दिल्ली में जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे पूरा आपको यहीं पर इसी प्रकार से देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि आपका एक भी अपडेट छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी न्यू अपडेट आएगा मैं सबसे पहले सबसे फास्ट आपको हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल रेगुलर लेकर आता रहता हूं। अगर आपको छोटे भाई की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। डिसीरेट जॉब्स के लिए मेरा भाई और बहन कोई भी पहली बार हमारे चैनल पर आया, अगर उसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि अगला अपडेट भी आपके जिले, आपके शहर,
आपके गांव के अंदर हो सकता है। जो भी डीसीलेट जॉब्स आएंगे सबसे पहले सबसे फास्ट आपको समय समय पर यहां पर पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो आपके छोटे भाई की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।